मित्रों, नई दिल्ली भारत के अन्य शहरों से बहुत अलग है। इसे बनाने में कई साल लगे और बहुत खर्चा आया। आज हम आपको इसी नई दिल्ली का डिज़ाइन किस आर्किटेक्चर ने बनाया है ये बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलो आज कुछ नया सीख लें। दिल्ली से पहले अंग्रेज़ों ने इस देश पर कलकत्ता से राज किया था। कई सालों तक अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से इस देश को चलाया। मित्रों, चलो जानते हैं नई दिल्ली का डिज़ाइन कौन से आर्किटेक्चर ने बनाया है। जब किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में यह घोषणा की कि राजधानी कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली होगी, उसके पश्चात भारत की नई राजधानी को पूर्ण रूप से बनाने में करीब 20 वर्ष लगे। मित्रों, अब बता देता हूँ कि इस पूरे नई दिल्ली का निर्माण, मतलब राष्ट्रपति भवन, संसद, राजपथ और ऐसी सभी वास्तुओं के साथ नई दिल्ली का डिज़ाइन अंग्रेज वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस और उनके मित्र हार्बर्ट वेकर इन दोनों ने बनाया है। मित्रों, इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित है। इस नए शहर का नाम 1927 में दिया गया और नई राजधानी का 13 फरवरी 1931 को उद्घाटन किया गया। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।